इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। वहीं आम जनता के लिए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर शहीद हुए जवानों के परिजनों का किया सम्मान। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में आयोजित मुख्य समारोह का आयोजन दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें ध्वजारोहण के लिए मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और गार्ड ऑफ ऑनर लिया गया। तीसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पूर्व प्लाटून कमांडर को प्रशिक्षण आगे बढ़ते हुए चौथी प्लाटून गार्ड प्लाटून कमांडर को बल मिलेगा। पांचवी प्लाटून जिला पुलिस बल महिला प्लाटून कमांडर पवन देवांगन, छठी प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज प्लाटून कमांडर सीनियर अंडर अफसर गौरव कुमार। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन आम जनता को सुनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का राज्य की जनता के नाम संदेश। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी बिहार के पावन बेरामा, जम्मू सियान, ताई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाना गाना बधाई, जय जोहार। आज आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर तिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। वहीं इसके बाद देश की आन बान शान की रक्षा में अपने प्राण निछावर करने वाले जवानों के परिजनों को मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कपिल देव पांडे 107 बटालियन कोरखा राइफल मणिपुर भारतीय सेना को नमन करती हूँ। ऑपरेशन हिफाजत ड्यूटी के दौरान एक भीषण लैंडस्लाइड में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे देव सेना के सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। शहीद श्री सुरेंद्र ग्लेशियर सियाचिन ऑपरेशन के दौरान शहादत को प्राप्त हुए। शहीद श्री चुम्मन यादव आर भारतीय सेना के ये जवान। आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण के बाद रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर शांति, समृद्धि और अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मुख्यमंत्री के अभिभाषण का वाचन भी किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का राज्य की जनता के नाम संदेश। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी बिहार के पावन बेरामा, जम्मू सियान, ताई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाना गाना बधाई, जय जोहार। आज आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर तिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। अमर शहीदों गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई जैसे हजारों युवतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी।
गौरतलब है कि 15 अगस्त आजादी के महोत्सव पर मुख्य समारोह में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। साथ ही उस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया, जिसमें दुर्ग LIB के प्रधान आरक्षक राम लखन को सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए और प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा व पुलिस के समस्त आला अधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।